गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। गाजर का हलवा बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो कि घर में अवेलेबल है। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छा लगेगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। भाई नोंथांमोन को दिन आंगनि चैनलाव बरायनाय थाबाय। दिनैहाय आं मोनसे गोदान रेसिपि लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन। थ' दे बिदिब्ला भिडिय'खौ नायलांबाय थादो। लेट्स go का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गाजर। इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद छिलका उतार लिया है। चीनी मैंने लिया है 1/2 कप। फुल फैट दूध मैंने लिया है 1 कप। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने, आमंड्स एंड रेजन्स। आप लोग कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। आमंड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। घी लिया है मैंने 4 to 5 टेबल स्पून। आप लोग ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने गाजरों को घीस लिया है। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन गरम कर लिए। पैन अच्छे से गरम होने के बाद इसमें घी ऐड करेंगे। मैंने 4 to 5 टेबल स्पून घी लिया है। घी अच्छे से पिघल जाने के बाद ऐड कर देंगे घिसा हुआ गाजर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजरों को घी के साथ अच्छे से मिलाने के बाद 15 से 20 मिनट लो फ्लेम में भून लेंगे। 10-20 मिनट पकाने के बाद गाजर का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी हम दूध ऐड करेंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है। मैंने फुल फैट दूध लिया है। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम में कर देंगे। फिर 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख देंगे। हलवा में उबल आने लगे हैं। उबल आने के बाद जिसे मिला लेंगे हलवा को। 3 उबल आने के बाद मैं डाल दूंगी चीनी। मैंने 1/2 कप लिया है। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं स्वाद अनुसार और कम भी ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद दूध सूखने तक हम लोग पका लेंगे 10 से 15 मिनट तक। अभी दूध 95% तक सूख गया है। हम लोग अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसी समय ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप लोग कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद लास्ट 5 मिनट हम लोग भून लेंगे। गाजर का हलवा तैयार हो गया है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहे और अच्छे लगे तो कमेंट करिए। इसी तरह नया नया वीडियो लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।